बागी ही बनाएंगे बिगाड़ने, यूपी में बागी ही बनाएंगे बिगाड़ेंगे चुनाव का खेल। तो बागी नेताओं के लिए कांग्रेस बन रही है आश्रयदाता। यूपी में बागी ही बनाएंगे बिगाड़ेंगे चुनाव का खेल। टिकट ना मिलने पर दावेदारों ने दल बदला है। जी हां, तो टिकट ना मिलने पर दावेदारों ने दल बदला है। जिस दल से एमपी रहे उसी के खिलाफ ठोकेंगे ताल। तो जिस दल से एमपी रहे उसी के खिलाफ ताल ठोकेंगे। टिकट ना मिलने पर दल बदलू हुए है दिग्गज नेता। फतेहपुर, सीतापुर, बहराइच में दिखे और मोहनन लालगंज में भी संकेत दिख रहे हैं। कई जिलों के नेता अपना दल छोड़ जुगाड़ में लगे हैं। सीतापुर से कैसर जहां ने बीएसपी का साथ छोड़ा, तो वहीं फतेहपुर से राकेश सचान ने सपा का साथ छोड़ा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी फरमान हमारे साथ। फरमान, जिस पार्टी से एमपी रहे अब उन्हीं के खिलाफ ठोकेंगे ताल, किस प्रकार से इस सब पूरे चेंजेस को देख रहे हैं? देखिए, जो गठबंधन हुआ है, गठबंधन में जाहिर सी बात है कि जो पार्टी कभी पूरे 80 सीटों पर लड़ती रही वो कम होकर आधे सीटों पर आ गई, चाहे बसपा की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें। तो ऐसे में जो पूरे 5 साल जिन लोगों ने मेहनत की, जिन पार्टी के ये उम्मीद थी कि उनको टिकट मिलेगा, और ऐसे में अगर वो दूसरे पाले में चली गई, दूसरी पार्टी के पाले में चली गई गठबंधन के बाद सीट, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक उथल पुथल है वो आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा और अभी भी देखने को मिल रहा है। सीतापुर सीट की अगर हम बात करें तो वहां से कैसर जहां जो बीएसपी के साथ थी उन्होंने बीएसपी का साथ छोड़ दिया, चूंकि वो सीट सपा के खाते में चली गई। फतेहपुर से राकेश सचान ने भी सपा का साथ छोड़ दिया। तो इसी तरह से बीजेपी की अगर हम बात करें तो फरमान बने रही है हमारे साथ। सावित्री बाई फुले जुड़ गई हैं हमारे साथ, सांसद हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भारत समाचार पर। आखिर क्या कुछ वजह है कि चुनाव से पहले आपने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस का रुख अपनाया है? क्योंकि मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान जी आरक्षण के तहत मैं सुरक्षित शीर्ष से सांसद का चुनाव जीत करके आई हूँ जी। और जब मैं लोकसभा में पहुंची तो लोकसभा में दलितों, पिछड़ों, अत्याचार और मुसलमानों समाज के लोगों पर लगातार अत्याचार, अन्याय, शोषण होता रहा जी। इसको लेकर लोकसभा में मैंने उठाने का काम किया जी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पूरे देश भर में प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं। भारत के संविधान को बदलने की बीजेपी साजिश कर रही है जी। अनुसूचित जात, जनजाति और पिछड़ी जाति का आरक्षण समाप्त करना चाहती है। भारत के संविधान को खतरा है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जी। और बीजेपी किस प्रकार का खतरा है सावित्री जी, और ऐसा क्यों है कि चुनाव से ठीक पहले ये खतरे नजर आए हैं? इतने सालों में आपने ये खतरा नहीं देखा? नहीं, आप तो टीवी रेडियो आप तो देख सकते हैं, मैंने लोकसभा में चुनाव जीतने के बाद तुरंत मैंने उठाया है कि भारत के संविधान को लागू करो, आरक्षण को लागू करो, अनुसूचित जाति पिछड़ी जातियों का आरक्षण को लागू करो। और जब से मैंने मांग किया तो मुझे अनुसूचित जाति होने के नाते मुझे हीन भावना से देखा गया जी। और मेरी बात को अनसुनी की गई और भारत के संविधान को बदलने की साजिश आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का बयान था कि हम भारत के संविधान आरक्षण की समीक्षा करेंगे। राज्यसभा के सांसद बोलते हैं कि भारत के संविधान आरक्षण को हमेशा समाप्त करेंगे कि रहना न रहना बराबर होगा। बीजेपी का मंत्री बोलता है कि हम भारत के संविधान को बदलने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहले भी संविधान में बदलाव हुए हैं। एक मिनट सावित्री जी, इससे पहले भी संविधान में बदलाव हुए हैं। और जिस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात आप कर रही हैं, उन्होंने ही तो कहा था कि आरक्षण एक निश्चित समय तक के लिए होगा, तो बदलाव परिवर्तन तो होते ही रहने चाहिए ना, तभी तो वो सही जाएगा। और आपको लगता है आप अब जो कांग्रेस के साथ गई है वो न्याय कर पाएगी, ऐसा भरोसा आपको क्यों है कांग्रेस पे? देखिए, चूंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि जब तक देश के दलित पिछड़ा आदिवासी समाज के लोग बराबरी पे नहीं आ जाएंगे तब तक ये आरक्षण बरकरार रहेगा। अच्छा, लेकिन अभी तो उनकी जो आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब ने दिया था पिछड़ी जातियों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए, वो आरक्षण संपूर्ण रूप से अब तक लागू हुआ ही नहीं और पहले ही आरक्षण समाप्त करते जा रहे हैं। क्या उनकी दशा में परिवर्तन हो गया है क्या? आरक्षण स्थिति में ये बीजेपी ये संविधान को बदलना चाहती है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत आज सुरक्षित नहीं है। सावित्री जी, आप बने रहिए हमारे साथ। नावेद सिद्दीकी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका नावेद जी भारत समाचार पर।
क्या कहेंगे जिस प्रकार से जी हाँ, तो सावित्री जी देखिए लगातार हमारे साथ बनी हुई है और बातचीत भी हो रही है हमारे साथ। सावित्री जी, ऐसा क्यों होता है कि अक्सर चुनाव से पहले जिस प्रकार से आप लोग सांसद जिस पार्टी के लिए अब आप रहे हैं, आप उसी के खिलाफ अब ताल ठोकेंगे, जनता कैसे भरोसा कर पाएगी आप पर? मैं तो 2 साल से उठा रही हूँ, जब से आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का बयान सुना, बीजेपी के मंत्री का बयान सुना, राज्यसभा के सांसद का बयान सुना, ये भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं, तो उसे लगातार मैंने लोकसभा में उठाया और जब मेरी बात को अनसुनी की गई तो मैंने सदन के बाहर भी मैंने आंदोलन शुरू कर दिया। पूरे भारत में आंदोलन शुरू है, बीजेपी को छोड़कर पूरे भारत का, जितनी पार्टियां, सारे लोग कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खतरे में है और भारत हमारा सुरक्षित नहीं है। अच्छा। ये इसका जीता जागता प्रमाण आपको देखने को मिला, ये 42 हमारे जवान शहीद हो गए, ये कहते हैं हमारा देश सुरक्षित है। देखिए, अगर देश सुरक्षित होता तो 42 जवान शहीद न होते। सावित्री जी, अब आप इस चीज को तो ऐसे नहीं बोल सकती कि 42 जवान शहीद हुए हैं। शहीद तो जवान पहले भी होते रहे हैं, चाहे नेतृत्व कांग्रेस का रहे, सपा का रहे, बसपा का रहे, ये नेतृत्व का सवाल नहीं होता। सवाल बहुत सारी चीजें, इंटेलिजेंस फेल होती है कहीं ना कहीं इसमें। मुझे जिस प्रकार से हम देखते हैं इसे कि सेना की शहीदी जो वो किसी पार्टी विशेष के लिए वो डिपेंड नहीं करती। सावित्री जी, अब मुझे एक सवाल ये भी है, क्या लगता है आपको सिर्फ आरक्षण ही एक चीज है जिससे आप दलितों को बराबरी पर लेके आएंगी? कुछ और नहीं हो सकता है, कुछ और माध्यम नहीं हो सकता, सिर्फ आरक्षण ही एक लौता आपका रीजन है कि आप छोड़कर आ रही हैं बीजेपी को और कांग्रेस के साथ? देखिए, बीजेपी दलितों की पार्टी नहीं है, पिछड़ों की पार्टी नहीं है, गरीबों की पार्टी नहीं है, मुसलमानों की पार्टी नहीं है, आदिवासियों की पार्टी नहीं है, ये कौन सी पार्टी है फिर इनकी? कौन सी पार्टी है फिर इनकी? कांग्रेस? गरीब गरीब सावित्री जी, कांग्रेस है इनकी पार्टी? सावित्री जी कांग्रेस है इनकी पार्टी? कुछ नहीं किया सावित्री जी सावित्री जी, कांग्रेस है इनकी पार्टी? सावित्री जी के नेतृत्व में पूरा भारत का बहुत बड़ा नुकसान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपको बताएं सीधे आपको लिए चलते हैं गोरखपुर।